हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग। तो आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। एवं समझ लो, जो भाई बहन लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, यदि उन्हें अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मैथ्स में फुल पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फुल आ सके। ओके मेरे भाई बहनों, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। प्रीवियस वीडियो में हमने 5-5 क्वेश्चन के सेट में कवर किया दो वीडियोस के अंदर। आगे की बात करते हैं, विच टर्म ऑफ द एवी 21 42 63 84 डायग्राम इज 210। यहां पे बेसिकली आपको एपी सीरीज दिया गया है, बोला गया है कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 210 होगा इस सीरीज का। ऑप्शन आपका 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म एंड 12th टर्म दे रखा है। तो यहां पे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यदि सब आपका पहला टर्म है A1, दैट मींस आपका 21 है। सेकंड टर्म आपका A2 42 है। यदि इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे भाई बहन लोग, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। A2 माइनस A1 दैट मींस 41, A2 माइनस क्या हो गया, 21 हो गया सर। तो इस तरीके से आपको पता है जस्ट डबल दैट मींस 21 आ जाएगा सर। गुरु क्लियर है कि नहीं? तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। अब इसके बाद यहां पे 210 दे रखा है, इसको आप लास्ट टर्म टेक कर सकते हो। मान लीजिए सीरीज का ये लास्ट टर्म है 210, तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म दैट मींस n फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपके पास यहां से n बराबर फार्मूला अपने क्या पड़ा सर, a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या पड़ा सर, d पड़ा। n बराबर क्या पड़ा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब यहां पे l की वैल्यू कितना सर, 210 आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं पिक्चर में 21 लिखा हुआ सर, n माइनस 1 कर लिए। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो अगेन 21 ही लिखा हुआ सर। बोले क्लियर है भाई? अब इस तरीके से सर आप 210 हो गया, देखिए 21 यहां पे भी है, 21 आपका यहां पे भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 210 21 कॉमन कर लेंगे सर, और इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस क्या आ जाएगा सर, ध्यान से देखिए ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, 1 प्लस n माइनस 1 आ गया। ये 21 इधर आपके क्या करेगा सर, 210 अपॉन 21 मल्टीप्लाई टू डिवाइड करेगा, और इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया। 21 का टेबल कितनी बार पढ़ लेंगे सर, 10 बार पढ़ लेंगे। तो n बराबर कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म 10th हो गया सर, कितना आ गया, 10 आ गया, दैट मींस 10th टर्म होगा। मतलब इस सीरीज का जो 210 है वो बेसिकली क्या होगा सर जी, 10th टर्म होगा। क्या होगा सर जी, 10th टर्म। अब आप यहां पे देखो सर जी, हम ये बेसिकली सार्पी तरीके से क्वेश्चंस का आंसर क्यों निकालो, उसका एक रीजन है सर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली स्टेप वाइज इस दिमाग में क्या सर, माइंड में क्या सर, सेट है। इस वजह से ये क्वेश्चन आराम से जाकर के पेन कहां पे मार्क करूंगा, जहां से आंसर आया, समझ में आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है सर। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी आप इस तरीके से बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। कॉमन सॉमन क्यों, फार्मूला नहीं कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d पढ़ लिया तो बहुत बड़ा आ गया, नहीं सर। आपको कैलकुलेशन करना भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब सर जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है सर। देखिए लिखा है ये, बोलो आगे सभी को समझ में सर? ओके, अगले लिखा था 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म आर -3 एंड 4 टर्म। मींस आपको यहां पे एक आ गया हुज फर्स्ट टू टर्म्स दे रखा है सर, -3 एंड 4 दे रखा है। तो आपको 21st टर्म बताना है, मतलब A21 आपको निकालना है सर। पहली बात तो ये क्वेश्चन पढ़कर के ये समझ माना चाहिए एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हमें 21th टर्म निकालना है, उसमें फर्स्ट टू टर्म आपको दे रखा है, दैट मींस A1 बराबर -3 दे रखा है और A2 बराबर क्या दे रखा है सर, 4 दे रखा है। बात ही सर आप क्या करेंगे, मैंने कहा सर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए तो आंसर आने निकालने में आनंद आ जाएगा सर। तो A2 माइनस हमने क्या कर लिया सर, A1 कर लिया, दैट मींस 4, और ये सर -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। इस तरीके से माइनस और माइनस प्लस होता है सर मेरे भाई बहन जी को। तो इस तरीके से जो 4 + 3 कितना हो गया सर, 7 हो गया सर, कितना हो गया सर, 7 हो गया। बोलो आया समझ में? यानी तो इस तरीके से आपने क्या किया सर, कॉमन डिफरेंस को क्या किया सर, आपने ऑब्टेन कर लिया मेरे भाई बहन लोग। अब यहाँ पे जरा समझिएगा सर, A1 आपने निकाल दिया, A2 आपने निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, और इस तरीके से 21 निकालना है तो आप AN का फार्मूला, nth टर्म ऑफ an AP आपने पढ़ा, A प्लस n माइनस 1 इनटू क्या पढ़ा सर, d पढ़ा सर, A प्लस n माइनस 1 इनटू d पढ़ा है कि नहीं? तो इस तरीके से n की वैल्यू कितनी है सर, 21 है। देखो सब सब कुछ पता है सर, ए भी पता, एन भी पता, डी भी पता, तो आंसर किसको पता भाई, आप लोगों को पता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म कितना लिखा है सर, -3 लिखा हुआ मेरे भाई बहन, n आपके पास 21 माइनस 1 हो गया, d कॉमन डिफरेंस देखिए सर 7 आ रहा है सर,
तो माइनस थ्री हो गया, 21 में से 1 गया तो 20 इंटू कितना हो गया 7 हो गया सर। और इस तरीके से जो है माइनस थ्री हो गया प्लस 20 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो 140 होता है, 140 में से 3 चला गया तो कितना आ गया 137 आ गया सर जी, 1821 का जो वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो गया है वो 137, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो गया सर। बोलो आया समझ में? नहीं, एक एक स्टेप बिल्कुल माइनर तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि जिससे आप बिल्कुल अच्छी बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ सके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बोलो आया समझ में? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 30 नंबर की बात करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है सर, इन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 लिखा है सर, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है सर 5 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज वैल्यू आपको निकालना है सर, A18 माइनस A13, क्या निकालना सर, A18 माइनस A13 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सर। बोलो ऐसा मतलब यहाँ पे क्या पता है सर, केवल हमको कॉमन डिफरेंस पता है सर, क्या पता है सर, केवल कॉमन डिफरेंस पता है। तो आप n के टर्म का फॉर्मूला यदि यूज करें तो a प्लस क्या होगा सर, n माइनस 1 इनटू क्या होगा सर, d होगा। अब यहाँ से सर जी an मतलब a18 फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे सर, a18। तो फर्स्ट टर्म तो आज ही रहेगा क्योंकि सीरीज वही है सर जी, तो कॉमन मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा सर, बस 18th टर्म और 13th टर्म निकाल करके उनका डिफरेंस करना है, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा, बहुत अच्छी चीज है। एम भी पता हो गया सर, 18 माइनस कितना हो गया सर 1 हो गया, डी कितना सर 5 पे दे रखा है। तो इस तरीके से ए प्लस कितना आ गया, 18 में से 1 गया कितना आएगा सर, 17 आ गया, 17 इंटू 5 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया ए प्लस, 17 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 85 आ जाएगा। ओके, आपने 18 निकाल दिया सर, A13 निकाल दीजिए, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 13 माइनस 1, एन की वैल्यू कितना है 13 है सर 5 है, तो d कितना सर 5 आपको दे रखा है सर, सॉल्व कर लीजिए, a प्लस कितना हो गया 13 में से 1 गया 12 इंटू 5 हो गया, तो दैट मीन्स a प्लस 12 5 में कितना होता है सर 60 होता है। अब भाई साहब ने कहा कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, a 18 और माइनस a 13, तो इस तरीके से a प्लस कितना है सर 85 है और माइनस में क्या होगा a प्लस 60 है मेरे भाई बहन लोग, तो a प्लस 85 हो गया। अब आप देखो सर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यू लिखा हो सर प्लस में है, तो प्लस में है तो भाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सर, तो माइनस ए और माइनस कितना हो गया 60, तो ए से ए का हो गया भाई वैल्यू कट गया, भैया का हो गया कट गया और बच गया 85 में से 60 गया, तो कितना आ गया 5 हो गया 8 6 2 गया 25, ऑप्शन दिख रहा सर, क्या ऑप्शन है सी ऑप्शन, लो भाई टिक लगा दो फटाक से। तो ये सर क्वेश्चन से दिख रहे कितने सिंपल वे में निकल रहे हैं सर, ये कैसे निकल रहे, क्यों निकल रहे, उसका कारण बस केवल क्या है कॉन्सेप्ट का होना। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट है तो आंसर निकल रहा है, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आंसर तुक्का वाला चलेगा। आई बात समझ में? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बड़ा पसंदीदा होता है सर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सब तुक्का तो लगाएंगे, 20 के 20 करेंगे सर, कहेंगे हरे पेपर तो बड़ा बढ़िया, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कौन कहेगा मेरा फुल आएगा, वही कह सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या होंगे क्लियर होंगे। बोलो बस समझ में सर, ये तो क्वेश्चन 13 था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, नंबर 14 की तरफ ध्यान से देखिएगा सर, नेक्स्ट मल्टीपल है द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, क्या लिखा सर जी, द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17 14 11 डैश डैश डैश, आगे सर जी ये माइनस 40 लिखा हुआ सर, क्या लिखा सर जी, ये माइनस का 40 लिखा हुआ, कितना लिखा सर जी माइनस का 40 लिखा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई बहनों। तो आपको सेवेंथ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड से, कहां से निकालना है एंड से निकालना है, क्लियर ओके सर जी। तो बात ये सर जी क्वेश्चन एक्चुअल में हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा बड़े सिंपल तरीके से करेंगे, देखिए आप स्टार्टिंग से सॉल्व कर देखिए, ये एल की वैल्यू कितनी होगी लास्ट टर्म है ना सर, ध्यान से समझना, अभी आपका जो ये लास्ट टर्म है इस चीज को समझना है। देखिए पहले आपको क्या करना, फर्स्ट टर्म यहाँ से ए आएगा, ठीक है ना, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप फर्स्ट टर्म से निकाली स्टार्टिंग से निकालिएगा, समझे, ये बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो 14 में से आपका ए टू माइनस क्या हो जाएगा सर, ए वन हो जाएगा सर। थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऊपर वाले टर्म आपने कर लिया होगा समझ में आ गया होगा, इरेज कर दे रहा हूँ और फिर आगे अच्छे से आप इसको समझिए बारीकी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बस आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। चलिए देखिएगा सर, देखिए सर आपके पास क्वेश्चन कह रहा है सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब कि एपी के एंड से जो है ये सीरीज आपको गिवन है, सीरीज आपके पास है 17 14 और 11 डैश डैश माइनस 40 आपको दे रखा है, तो एंड से हमें क्या निकालना है सर, सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना। बात है सर कैसे निकलेगा, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल, देखिए सर आप स्टार्टिंग से पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 17 हो गया, कॉमन डिफरेंस आप निकालो सर, ए टू कितना है सर, ए टू आपके पास 14 है, लिख लीजिए, तो ए टू माइनस ए वन आप कर देंगे दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 14 माइनस 17 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा सर, आएगा या नहीं, क्योंकि 17 बड़ा है, क्लियर। अब सर जी आप जब लास्ट से देखेंगे तो यही कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये जो लास्ट टर्म है सर वो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है सर, वो फर्स्ट टर्म बनेगा माइनस जो लिखा है 14 का,
कॉमन डिफरेंस सर निगेटिव है तो साइन बस उल्टा कर लो, बस इतना आपको ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ सर ये समझने के लिए। तो ए आ गया सर, डी आ गया, एन आपका कितना सर 7 है सर, एन कितना है 7 लगा दीजिए सर। तो L बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इनटू क्या होता है सर D होता है। अब फार्मूला यही रहेगा सर, लास्ट से हम सेवंथ टर्म निकालने हैं तो लास्ट मतलब कि A मींस एक तरीके से लास्ट से क्या निकालने हैं सेवंथ टर्म निकालने, ठीक है ना भाई। तो A 7 निकालने हैं फ्रॉम लास्ट, A 7 फ्रॉम लास्ट, A 7 फ्रॉम लास्ट टर्म। तो उस केस में बस साइन आपका सेम ये सब कुछ रहेगा, बस केवल चेंज कहां आया सर ये आया है जो मैंने आपको लिख रखा है। देखिए सर A की वैल्यू कितना है माइनस 40 आपको दे रखा है सर, इसके बाद प्लस हो गया n, n आपके पास 7 माइनस 1 हो गया, d कितना है सर जरा देखिए d आपके पास पॉजिटिव का 3 हो गया, तो माइनस 40 हो गया, पर 7 में से 1 जाएगा सर कितना आएगा 6 इंटू 3 हो गया सर, तो माइनस 40 6 3 जा 18 हो गया, दैट मींस माइनस 40 में से 18 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर माइनस का 22 बन जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर माइनस का 22 आ गया। बोलो आया समझ में, ऑप्शन देख लीजिए सर, डी ऑप्शन राइट आंसर में दिख रहा है, क्लियर है या नहीं। तो आपको मैंने बिल्कुल ही क्या है सर सिंपल तरीके से बताया सर, कॉन्सेप्ट बहुत कम ही टीचर देते हैं सर, आई बात समझ में नहीं, और सकता है बिल्कुल अच्छे बिल्कुल वेल तरीके से समझा रहे होंगे तो जरूर उनके भी दिमाग माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है सर, आई बात समझ में नहीं। तो मेरे भैया लोग बहुत ही सिंपल है, लास्ट टर्म से आपको निकाले, मैंने कहा कि स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस भी स्टार्टिंग से आपने निकाला, लास्ट से करेंगे बस उसका साइन केवल चेंज कर देना। माइनस 3 आया था सर लास्ट से जब हमने किया, लास्ट से जब हमने निकाला तो उसके इसमें कॉमन डिफरेंस का होता सर उल्टा हो जाता, साइन बस चेंज हो जाती, बाकी एन वही रहेगा, बाकी जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं सर, बोलो क्लियर हो गया। और फार्मूला सर सेम लगाना है, कोई दिक्कत तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 22 आगे से, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आंसर बढ़िया था ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सर इसी में पार्ट है, अगला 15 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिएगा सर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा है इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एट इज 30, सेकंड टर्म दैट मींस ए2 आपके पास दे रखा है सर 13 दे रखा, एंड बोला है फिफ्थ टर्म इज माइनस, फिफ्थ टर्म भी दे रखा सर ए5 दे रखा 25 दे रखा, तो व्हाट इज इट सेवंथ टर्म बताना सर, क्या बताना है ए7 बताना, कोई दिक्कत की बात, क्लियर। आपको पता ही है आप सीरीज ब्रेक करते हो सर क्या आता है ए ए प्लस डी आता है, ए प्लस 2d आता है, ए प्लस 3d आता है, ए प्लस 4d डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, ये कांसेप्ट बनकर आपके पास आपने एपी सीरीज पढ़ा था, क्लियर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया, ये आपका a4 हो गया, ये आपका a5 हो गया, हो गया कि नहीं मेरे भाई। तो a1 आपका a2 देखिए सर, a2 बराबर दे रखा, a2 मतलब कितना है सर, a2 a प्लस d बराबर कितना हो गया 13, इसी क्वेश्चन 1 मान लो। अगला a5 देखिए, a प्लस क्या है सर 4d, a प्लस 4d कितना सर 25 है, इसी क्वेश्चन 2 मान लो, दोनों को क्या करो सर सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपका d आ जाएगा सर, कैंसिल हो गया 4d, ये माइनस 4d है सर प्लस नहीं है, तो इधर माइनस 3d आएगा, और 13 25 भी माइनस साइन है तो माइनस का 12 आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं मेरे भाई, 25 में से 30 गया क्योंकि नेगेटिव साइन, साइन चेंज हो गया, तो d बराबर क्या आ गया माइनस 12 अपॉन माइनस 3 आ गया, तो माइनस से कैंसिल हो गया 3 4 जाए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 4 आ गया, पुट कर दीजिए वैल्यू किसी में भी, तो a प्लस 4 बराबर क्या इक्वेशन 1 में हमने रख दिया 13 आ गया सर जी, बोलो आया समझ में नहीं, तो ये 4 उधर भेज दिया आपने, तो 13 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, तो 3 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 गया कितना आ गया भाई 9 आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 9, देखो भैया फर्स्ट टर्म पता हो गया, कॉमन डिफरेंस पता हो गया, बोलो आया समझ में नहीं। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग आपको ऑब्जेक्टिव करें, इसलिए शॉर्ट में सब कुछ लिख रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पे क्या सर a7 मतलब क्या होगा, a प्लस 1 पावर, देखो भैया a4d है 5 था तो a4d हो गया, या फार्मूले में a प्लस n माइनस 7 माइनस 1 कर दीजिए, 7 माइनस 1 इनटू d आपके पास आ जाएगा, a प्लस 6d आ गया, a की वैल्यू कितना सर 9 है, d की वैल्यू कितनी है सर 4 है, तो आपका 9 प्लस 6 4 कितना होता है 24 होता है, कितना हो गया भैया 24 हो गया, 24 में आपने 9 को ऐड कर दिया 6 इधर 33 आ गया सर, कितना आ गया 33 आ रहा है सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया सर, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि कितनी सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस निकाले गए सर जी, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, और इसी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना सर, सेकंडों में निकालने का तरीका बता दिया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आया सर समझ में, तो समझाने में सर टाइम लगता है ठीक है, लेकिन करने में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना बिल्कुल बारीकी से, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट सेकंडों में निकालना शुरू कर देंगे, बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया। तो बेसिक होना जरूरी है, बेसिक होगा तो शॉर्ट ट्रिक बनता है, आप सोचो ट्रिक आ जाए बेसिक ना है तो कभी आप मैथ सीख नहीं पाओगे सर, बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया मेरे भाई बहन। तो अच्छी तरीके से वेल मेंटेन करके अच्छे से प्रिपेयर करिए, जिससे कि बेसिकली आप मैथ्स में फुल मार्क्स पा सके, बस मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं कि केवल मैथ्स ही पढ़ते रहे, बाकी के भी रिमेनिंग का 100 का ही वेटेज है, तो उन सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करते रहना है, बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।